एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। यो 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 भाई, आज हम बात करेंगे YouTube मुझसे हेट क्यों करता है। भाई मुझे भी नहीं पता भाई, पर करता है। आ जाओ, मैं तुम लोग को प्रूफ दिखाता हूँ भाई। तुम लोग ऐसे तो मेरी बात मानने से रहे। तो ये मेरा चैनल है और उस पर तुम वीडियोस देख सकते हो, दो वीडियोस हैं भाई। व्यूज तो आ रहे हैं, तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? सब्सक्राइब करो। गेम तो जैसे ये वीडियो है, अब मैं जाता हूँ उसकी क्वालिटी में, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 240 पिक्सल और थ्री क्या कह रहा हूँ मैं, 480 पिक्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और मुझे नहीं पता है क्यों नहीं आ रहा है, चाहे तुम ये देख लो, इसमें भी नहीं आ रहा है। चाहे तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देख लो, मैंने बोल ही दिया अब मैं दिखाऊं क्या, इनमें भी नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। मैंने अपना ब्रह्मांड का जोर लगा दिया भाई जानने में कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुम ये वीडियो देख रहे हो उसमें कम से कम 480 पिक्सल और 240 पिक्सल हो। और तुम लोगों को एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक और चैनल भी है, मेरे पास एक और जीमेल भी है जिससे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बहुत पहले, और वो वीडियो थी अर्पित वाला की। मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम से छोटा सा पार्ट काटा था और मैंने अपलोड कर दिया था। हाँ, और गेस करो उस वीडियो पे कितने व्यूज हैं? 604 व्यूज। मुझे भी नहीं पता इस पे इतने व्यूज कैसे आए, अरे क्यों? पर मेन मोटिव व्यूज नहीं है, मेन मोटिव ये है कि इस वीडियो पे 240 पिक्सल और 480 पिक्सल है भाई। ऐसा क्यों? इसको भी मैंने ही रेंडर किया है भाई। मुझे नहीं पता भाई, YouTube की मुझसे क्या दुश्मनी है भाई। पर जैसे कि मैंने कहा, YouTube मुझसे नफरत करता है, लेकिन आज हम YouTube के लाडले बनेंगे। और हम कैसे बनेंगे, हम देखेंगे भाई YouTube के लाडले कैसे बने। क्यों मेरे व्यूज नहीं आ रहे, क्यों मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, अभी तक तो मेरे लाख हो जाने चाहिए थे। तो हालांकि मैंने चैनल पे वीडियो डालना 14 दिन पहले ही शुरू किया है। आ जाओ, तुम मैं साथ में देखेंगे कैसे अपने चैनल की रीच बढ़ाए। तो अब हम ये देखेंगे, ये वीडियो 7-8 व्यूज आते हैं, गलत तरीके से डालते हैं वीडियोस। यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, मुझे वीडियो अपलोड करना भी नहीं आता भाई। फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। तो अब हम यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका सीखेंगे गाइस, आ जाओ। गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो इसलिए आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है। दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते हो और प्लस आइकन पर क्लिक करते हो, अपलोड योर वीडियो पर क्लिक करते हो और अपने वीडियो को अपलोड कर देते हो। सबसे बड़ी गलती आप लोग यहीं पर करते हो। दोस्तों आप लोग जब वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियोस पर क्या होता है कि व्यूज धीरे धीरे डाउन चल जाता है। लेकिन मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो यहां पर लाइव देखो दोस्तों, मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो देखो यहां 7 दिन में 42K व्यूज, 14 व्यूज, 18 व्यूज, 2.2K व्यूज 9 घंटे पहले। भाई भाई के व्यूज तो आते हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई। वीडियोस को देखो, 7 दिन पहले अपलोड किया हूं, 42,000 व्यूज है। इस वीडियोस को देखो, 1 लाख व्यूज चल गया है 8 दिन के भीतर। तो इस प्रकार से मेरे वीडियोस आप यहां पर देखो, मेरे चैनल को ओपन करके सारा वीडियो मेरा देख लेना। तो यहां पर देखो, 10 दिन पहले अपलोड किया हूं, 43,000 व्यूज है, 19,000 व्यूज है, 27,000 व्यूज है, यानी कि सारे वीडियोस पर 20,000, 30,000, 25,000, लाखों में व्यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड करता हूं। मुझे 20,000, 30,000, लाखों में व्यूज होता है। डैम, मुझे पता है कि YouTube पर कैसे वीडियो अपलोड करना है, कौन कौन सी सेटिंग करना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बस वीडियो अपलोड कर लेते हो YouTube एप्लीकेशन से और YT स्टूडियो में जाकर कुछ काम कर देते हो, बस आप लोग समझते हो मेरा वीडियो अपलोड हो गया है। भाई ऐसे वीडियो वायरल नहीं होता है। अगर आपको अपने वीडियो वायरल करना है, अगर आपको अपने वीडियोस पर व्यूज लाना है, तो आपको एक सही प्रोसेस से वीडियो अपलोड करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। और दोस्तों मैं अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड करता हूँ।
लेट्स गो भाई, आज हम सीखेंगे सही तरीका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का। मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरे अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर क्यों नहीं हुए भाई, यही कारण है। अब हम कर देंगे एक ही दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर, चिंता मत लो तुम, मुझे टेक्निक सीख रहा हूँ मैं। और दोस्तों अगर मैं आपको अपना YT स्टूडियो ऐप को ओपन करके दिखाऊं तो देखो, अरे अर्निंग क्यों छुपा रखी है, गंदा पैसा भाई। अब बारिश कर दू पैसे की जो तू हो जाए मेरी। कई सारे वीडियो अभी वायरल है, यहाँ पर देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि देखते इतने सारे वीडियो मेरे चैनल पर अभी वायरल है। बाप रे 19,000 व्यूज वायरल भाई, 18,000 वायरल। मुझे 300 व्यूज लेके ये सब तो नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है। सभी पर व्यूज आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 48 घंटे में 60 मिनट में यहाँ पर व्यूज देख सकते हो सभी वीडियो मेरा ये सारा। अरे टेक्निक तो बताओ सर। दोस्तों आप लोग एक चीज देखे होंगे, जब YouTube एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड करते होंगे तो उस टाइम एक ब्लू कलर का पट्टी चलता है इस प्रकार। ये पट्टी क्यों चलता है, ये पट्टी आखिर क्यों चलता है, क्या क्यों चलता है? अरे भाई मैं जवाब जानने आया हूँ, ये तो मुझे से सवाल कर रहे हैं भाई, क्यों चलता है आपको पता है? क्योंकि उस टाइम यूट्यूब चेक करता है कि आपका वीडियो किस रिकॉर्डिंग है, कहां पर भेजना है। यूट्यूब कहां पर भेजना है, वीडियो तो यूट्यूब पर ही भेजनी है, वहां पर आपके वीडियो को मॉनिटर करता है, उसके बाद यूट्यूब डिसाइड करता है किसके पास भेजना है। लेकिन आप लोग वहां पर टाइटल देते ही नहीं हो तो कहां से काम करेगा भाई आपका। शिट, टाइटल ही नहीं तो वीडियो की, वीडियो कैसे वायरल होगा, कैसे व्यूज आएगा आपके वीडियोस पर। तो आज की इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा जो कि कैसे आपको अपने भाई, आपने 3 मिनट तो बर्बाद कर दिया भाई, जल्दी बताओ कैसे होगा भाई। वीडियो को अपलोड करना है जिस तरह से मैं करता हूँ, उस कहां पर भेजना है YouTube, वहां पर आपके वीडियो को मॉनिटर करता है, उसके बाद YouTube डिसाइड करता है किसके पास भेजना है। लेकिन आप लोग वहां पर टाइटल देते ही नहीं हो तो कहां से, वहां पर टाइटल देते ही नहीं हो काम करेगा भाई आपका वीडियो कैसे वायरल होगा, कैसे वायरल होगा। सही कह रहे हैं भाई, कैसे वायरल होगा, कैसे व्यूज आएगा आपके वीडियो। अब मुझे पता चला भाई YouTube क्यों मुझसे नफरत करता है, मैं ऐसे काम ही नहीं करता भाई, कैसे वायरल होगा। कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम अपने टाइटल को बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं लाइव। ठीक भाई, गाइस सीक्रेट रिवील हो रहे हैं यहाँ पे, भाई अपने कैसे टाइटल बनाते हैं, हम भी है, अब ऐसे ही टाइटल बनाएंगे हम भी। ठीक है, तो दोस्तों टाइटल बनाने के लिए आपको पहले वीडियो अपलोड करने से पहले टाइटल बना लेना है। कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस साइड, ठीक है, इस साइड आपको क्या ओपन कर लेना है और इसी से टाइटल बनाना है। उसके बाद आपको इस लोगो पर क्लिक करना है, जो कॉर्नर में दिखता है ये लोगो, इस लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले टर्न वन इन गोटिव ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है टाइटल क्या, और यहां पर पहले टर्न वन इन गोटिव ओपन, इन गोटिव जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं, मेरा वीडियो है व्यूज कैसे बढ़ाएं, व्यूज से लेकर, तो यहां पर मैं सर्च करके देखूंगा कि लोग क्या सर्च करते हैं व्यूज कैसे बढ़ाएं इस वीडियो को देखने के लिए। तो यहां पर चलिए मैं सर्च करके देखता हूं, यहां पर लिखता हूं VIEWS व्यूज कैसे, तो देखो भाई मैं यहां पर सिर्फ सर्च किया हूं व्यूज के ए, तो यहां पर मेरे पास एक कीवर्ड आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इसी को सर्च कर रहे हैं। तो बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पहली वाली कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लेना इस प्रकार से, और कॉपी करके पहले इस टाइटल को आप अपने नोट्स में लिख लो, अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लो, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां पर लिख, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, लिख लिया हो, और ये टाइटल अभी आपका नहीं बना है, 100% नहीं बना है। यहां पर क्या करना है आपको, अपने टाइटल में यहां पर एक डंडा इस प्रकार से खड़ा करना है, और यहां पर देखिए आपको अपने टाइटल में इस कीवर्ड को 2 बार लाना है, जो व्यूज वाला कीवर्ड है इसको 2 बार लाना है। तो 2 बार कैसे आएगा, और 2 बार अगर आता है तो आपका वीडियो YouTube के SEO में जाकर फिट होता है। आपका वीडियो SEO क्या होता है, SEO में जाके फिट होता है, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये वायरल होने के ज्यादा चांसेस होता है दोस्तों, मैं अक्सर देखा हूं कि ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो 2 बार आएगा कैसे,
दो बार लाने के लिए सिंपल यूट्यूब पर फिर से सर्च कर देखो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो यहां पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं, देख सकते हैं। और अगर इस कीवर्ड को भी मैं दे देता हूं तो दो बार आ जाएगा, तो बस मैं क्या करूंगा इसको भी कॉपी कर लेता हूं, या फिर यहां पर लिख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मुझे व्यूज वाला शब्द दो बार लाना है, तो बस उसको यहां पर मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया हूं, तो ये मेरा टाइटल हो गया कंप्लीट। यहां पर जो मिलता है ऑडियंस वाला ऑप्शन, तो ऑडियंस वाले ऑप्शन में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसके कारण उसका वीडियो सही लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहां पर एस पर क्लिक कर देते हैं। भाई अगर एस पर क्लिक करेंगे तो भाई ये इसको एस क्यों बोल रहे हैं भाई, तो आपका वीडियो बच्चे, बहुत सारे लोग यहां पर एस पर क्लिक कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ एस पर क्लिक कर देते, वो पास पहुंच ही नहीं पाता है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर एस पर क्लिक कर देते हैं। भाई अगर एस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो बच्चे के पास रह जाएगा। अगर हम एस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो बच्चों के पास रह जाएगा, बड़ा आदमी के पास जाएगा ही नहीं, तो व्यूज कहां से आएगा। और उसके बाद तो आपको हमेशा अपने वीडियो को यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, ताकि सभी लोगों के पास मेरा वीडियो जाए, बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो सभी के पास जाए, इसलिए आपको नीचे पर क्लिक करना है, हमेशा यहाँ पर नीचे पर क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एक रेसिडेंट। अरे यार भाई मैं इससे ज्यादा नहीं देख सकता भाई ये वीडियो, मुझे लगता है मैंने वीडियो बहुत देख ली है, क्या पता मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो ज्यादा था वायरल हो जाए, इससे मैं पूरी नहीं देखूंगा ये वीडियो। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तुमको, तो सब्सक्राइब करो भाई, तुम्हें पता है तुम्हें कौन सा बटन दबाना है। और मैं मुझे पता ही है, अब मैंने सारी टिप्स अगर फॉलो कर ली अच्छे से तो मेरी वीडियो वायरल हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो चलो यार सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, लाइक भले ही मत करना पर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर ही देना यार। चलो थैंक यू बाय।